हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं फ्यूचर टेक्नोलॉजी आरसी यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा, आज हम एक टेस्टिंग डिवाइस बनाने जा रहे हैं जो कि हमारे यूएसबी केबल को टेस्ट करेगा, जो कि हमारा चार्जिंग केबल होता है जिसके ज़रिए हम मोबाइल को चार्ज करते हैं या फिर डाटा ट्रांसफ़र करते हैं। वो केबल सही है या फिर उसके अंदर किस तरह का प्रॉब्लम है, उसमें कौन सा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो काम नहीं कर रहा है, वो सब हम इसी डिवाइस की मदद से चेक कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि जो डिवाइस है बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कुछ MDF के बोर्ड जो कि मैंने पहले से काट लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ चार होल किया है जहाँ पर मैं चार LED को लगाऊंगा। ठीक है, तो चलिए पहले मैं LED को कनेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैं चार LED ले रहा हूँ और वो भी चार कलर का। आप यहाँ पर अपने हिसाब से कलर भी चूज कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो, तो हर एक LED का दो टर्मिनल होता है, एक होता है पॉजिटिव का और एक होता है नेगेटिव का। तो जो बड़ा वाला है पॉजिटिव है और छोटा वाला है नेगेटिव है। ठीक है, तो इसके जो पॉजिटिव है मैं उन सब पॉजिटिव को एक साइड रख देता हूँ और नेगेटिव को एक साइड रख देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने नेगेटिव को इस साइड एक तरफ कर लिया है और पॉजिटिव को एक तरफ कर लिया है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, सारे नेगेटिव को एक साइड में कनेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी इसके नेगेटिव को मैं यहाँ पर सोल्डरिंग कर लेता हूँ। हमें यहाँ पर सारे नेगेटिव को आपस में जोड़ देना है। दोस्तों, अभी मैं ले रहा हूँ चार पीस रजिस्टर जो कि 470 ओम का। अगर आपके पास 470 ओम का नहीं है तो आप यहाँ पर 220 ओम से लेकर के 1 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी इन चारों रेजिस्टेंस को, जो चार LED मैंने यूज किया है, चारों के पॉजिटिव पर मुझे कनेक्ट करना है। तो चलिए फटाफट से कनेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी मैं लेता हूँ USB का पिन, आप देख सकते हो। ठीक है, और रिश्ता भी आप देख सकते हो, यहाँ पर चार टर्मिनल निकला हुआ है। ये दोनों को आप छोड़ देना, ये दोनों साइड के, ये देख सकते हो यहाँ पर चार टर्मिनल निकला हुआ है। ठीक है, तो ये दो साइड का ये होता है इसका सप्लाई का नेगेटिव और पॉजिटिव, और ये दो बीच का है, ये है इसका डाटा ट्रांसमिशन का। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर पहले सेट कर लेता हूँ। तो इसको यहाँ पर सेट करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ हॉट ग्लू का। तो दोस्तों, अभी ये जो USB का जो चार टर्मिनल है यहाँ पर निकला हुआ है, इन चार टर्मिनल पर मैं इन चारों रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर सोल्डरिंग करते समय ज़रा आराम से कीजिएगा, नहीं तो ये जो है आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों इसका सर्किट डायग्राम आपको वीडियो के अंदर ही मिल जाएगा, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो भाई एक लाइक तो ज़रूर बनता है। दोस्तों, अभी मैं लेता हूँ एक माइक्रो USB जो कि मैंने ख़राब मोबाइल से निकाला था। ठीक है, आप इसको मार्केट से 5 या 10 रुपये में परचेज कर सकते हो, या फिर कोई भी ख़राब मोबाइल से इसको आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर पहले सेट कर लेता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर हमने जो माइक्रो USB यहाँ पर कनेक्ट किया है, तो इसका भी उसी तरह जैसे हमने ये USB कनेक्ट किया था, इसका चार टर्मिनल निकला था, तो उसी तरह इसका भी चार टर्मिनल निकला हुआ है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, उन चारों को आपस में जोड़ देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं उन चारों को आपस में जोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर मैं सोल्डरिंग आयरन की मदद से उन चारों को जो है आपस में जोड़ लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने चार LED लिया है और चार LED को नेगेटिव को एक साइड कर लिया है, और जो पॉजिटिव है उन पर मैंने चार रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है 470 ओम का, और इन चार रेजिस्टेंस को ला करके मैंने USB पर कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, फिर मैंने लिया एक माइक्रो USB, और इसका जो चार टर्मिनल निकला हुआ था उन चारों को मैंने आपस में जोड़ लिया है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं ले रहा हूँ एक 9 वोल्ट का बैटरी कनेक्टर। ठीक है, और इसके पॉजिटिव को मैं कनेक्ट कर देता हूँ, ये जो माइक्रो USB हमने कनेक्ट किया था उस पर, और इसका जो नेगेटिव है उसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ, LED का जो नेगेटिव था। ठीक है, वहाँ पर मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों, इसका जो डिज़ाइन है ये कम्प्लीट हो चुका है, तो अभी हम इसको थोड़ा बॉक्स के शेप में बना लेते हैं।
तो दोस्तों हमारा ये लगभग कंप्लीट हो चुका है, तो अभी हम इसमें एक बैटरी को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक 9 वोल्ट का बैटरी यूज़ कर रहा हूँ, तो अभी इस बैटरी को मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं इसके ऊपर का प्लेट को भी लगा लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसको बनाने के लिए हॉट ग्लू का यूज़ कर रहा हूँ, आप यहाँ पर फेविकल या फिर सुपर ग्लू का भी यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों हमारा डिवाइस पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, तो अब आ जाते हैं इसको टेस्ट करने का। तो चलिए फटाफट से हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो ये मेरे पास एक यूएसबी केबल है जो कि ख़राब है, तो पहले मैं इसको आपको टेस्ट करके बताता हूँ। तो एक तरफ मैं इसको लगाता हूँ, और दूसरी साइड इसको लगाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बस ये जो रेड कलर का LED है ये अच्छे से ग्लो कर रहा है, और ये जो 3 LED है इसको थोड़ा हिलाने से ये कभी कभी ग्लो कर रहा है, यानी कि सिर्फ यही वाला पॉइंट अच्छा है इसमें, ठीक है, ठीक ठाक है, और बाकी जो 3 है इसमें कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर ये ठीक होता है ये जो USB केबल, तो यहाँ पर सारे LED ग्लो करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम सही वाला USB केबल यहाँ पर चेक करते हैं। तो ये मेरे पास एक अच्छा वाला USB केबल है, तो इसको अब हम यहाँ पर टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चारों के चारों LED यहाँ पर ऑन हो गया है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, 4 वायर होता है। ठीक है, ये होता है इसका पॉजिटिव का, और ये होता है नेगेटिव का, और ये दो होता है डाटा ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब इसके अंदर जो भी 4 वायर है, 4 वायर है, वो सभी के सब यहाँ पर ठीक है। ठीक है, तो आप इसी तरह बहुत ही आसानी से USB केबल को आप टेस्ट कर सकते हो। ठीक, तो अगर इसके अंदर जो 4 वायर है उसमें से कोई एक भी वायर यहाँ पर ख़राब होता है, जो कि मैंने आपको पहले दिखाया था, तो यहाँ पर उसी वाला LED ग्लो नहीं करता। ठीक है, उसी वाला LED ऑफ रहता और बाकी LED ऑन हो जाता। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, अब फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बहुत सारा शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है। और वीडियो में अगर कुछ प्रॉब्लम है या फिर आप कुछ और मॉडिफाई करना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों।